नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नया, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पे। जल संसाधन विभाग ने बनाई निगरानी योजना, पुल और पुलियों की होगी सख्त निगरानी, जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद करेगा विभाग। 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर आ गया सरकार का बड़ा फैसला, अब स्क्रैप कराने पर देनदारी से मिलेगी छूट, वाहन मालिकों को मिलेगी राहत। होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का शुभारंभ, मंत्री नीतीश मिश्रा ने की शुभारंभ, 5 साल तक पर्यटन विभाग देगा ब्याज। रोजगार का सुनहरा अवसर, 20 सितंबर को बिहार के सिवान में लगेगा रोजगार कैंप, 180 पदों पर की जाएंगी भर्तियां। दर्शकों के दिलों में क्यों बसा 19 सितंबर, क्या है क्रिकेट से जुड़ा खास लम्हा, किसने आज ही के दिन ठोके थे 6 गेंदों पर 6 छक्के, बनाया था हैरत अंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने पुरानी और खटारा गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। बता दें कि 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों के लिए लंबित देनदारियों पर एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। वहीं सरकारी, निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए छूट की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। सरकारी वाहनों पर सभी प्रकार के करों और शुल्कों में भारी छूट दी जाएगी। वहीं निजी और व्यवसायिक वाहनों पर भी टैक्स और अर्थदंड में खास छूट का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2026 तक लिया जा सकेगा। तो अगर आपके पास भी पुराना वाहन है तो ये अवसर से बिल्कुल ना चुके। बिहार के जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के सभी पुलपुलिया, सड़क, बांध और अन्य संरचनाओं पर नदियों के दबाव की सख्त निगरानी करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत नदियों पर निर्मित सभी संरचनाओं की सुक्ष्मता से निगरानी की जाएगी, ताकि नदी के प्रवाह का इन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। बता दें कि पिछले दिनों से प्रदेश में कई पुलपुलियों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई थी, जिससे सुरक्षा और संरचना को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। अब जल संसाधन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों को भी इस निगरानी व्यवस्था में शामिल किया गया है। विभाग सभी संरचनाओं के जल दबाव का अध्ययन करेगा और जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद भी प्रदान करेगा। शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों के सामने जुलाई और अगस्त का वेतन और पेंशन न मिलने से संकट गहरा गया है। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण अनुदान पर रोक लगा दी गई है, जिससे पेंशन पर निर्भर अवकाश प्राप्त शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। बता दें, शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्वविद्यालयों को निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि अनुदान की विमुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके। फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को पत्र लिखकर इस वित्तीय संकट की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। इसके अध्यक्ष केबी सिन्हा का कहना है कि पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, ऐसे में इस संकट का होना बेहद असंगत है। संगठन ने मांग की है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए अनुदान राशि तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की मांग की है। इसके तहत केंद्र सरकार को झारखंड के राजमहल से कोयला उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस पावर प्लांट के लिए हर साल 12 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी, और इसे अगले 30 वर्षों के लिए सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इस साल के केंद्रीय बजट में पीरपैंती पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा पहले से 1,020 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जहां 800 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण काम 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है। सीबीएसई ने सीटीईटी के लिए दिसंबर 2024 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट cteet.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। परीक्षा के 2 पेपर होंगे। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, जबकि पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी
उम्मीदवारों के लिए। यदि वे केवल एक पेपर दे रहे हैं तो उन्हें 1,000 रुपये और दोनों पेपर देने पर 1,200 रुपये का शुल्क देना होगा। वही एससी एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क क्रमशः 500 और 600 रुपये है। दरभंगा एयरपोर्ट, जिसे उड़ान योजना के तहत एक सफल एयरपोर्ट माना जाता है, लेकिन हाल ही में इसे लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि दरभंगा एयरपोर्ट की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्पाइस जेट के कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद दूसरी एयरलाइंस को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिसके कारण यात्रियों को ऊंची कीमतों पर टिकट खरीदने के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने यह भी बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट से कई एयरलाइन कंपनियों को स्लॉट मिल चुका है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अभी तक इजाजत नहीं दी गई है, इससे यात्रियों में निराशा का माहौल बढ़ गया है। सांसद ने कहा कि जब तक दूसरी अन्य एयरलाइंस दरभंगा से उड़ान नहीं भरेगी और कंपटीशन नहीं बढ़ेगी, तब तक ना तो टिकट सस्ता होगा और ना ही बेहतर सुविधा मिल पाएगी। बीते दिन बिहार के पर्यटन विभाग ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्घाटन पर्यटन और उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। पहले चरण में 15 जिलों में ये योजना लागू की गई है, जिसका लाभ 29 प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को मिलेगा। इस योजना के तहत ग्रामीणों को अपने घर में पर्यटकों को ठहराने और एक निश्चित दर पर पैसे वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। मकान मालिक 106 कमरे तक होम स्टे के लिए विकसित कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में ये योजना 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की परिधि में लागू होगी। सरकार ने मकान मालिकों को कमरे विकसित करने के लिए 2.5 लाख से 15 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान रखा है। लोन का ब्याज 5 साल तक पर्यटन विभाग द्वारा भरा जाएगा। सिवान के DRCC में 20 सितंबर को रोजगार कैंप लगने जा रहा है। बता दें, इस एक दिवसीय रोजगार कैंप में एस्किल्ज डिस्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 180 बिल्प प्रोडक्शन ट्रेनी पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी। जिला नियोजन पदाधिकारी पिंकी भारती ने यह बताया कि ये कैंप श्रम संसाधन विभाग की ओर से युवाओं को रोजगार देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में 18 से 31 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। ITI डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक डिग्री वाले अभ्यर्थी इसमें ले सकते हैं। ये कैंप सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 14,500 से 23,244 रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। साथ ही कैंटीन, बस, इंश्योरेंस, PF और ESIC जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनी के CMD पंकज कुमार पाल ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित कर दिए जाएंगे। इस बाबत CMD ने 3 मीटरिंग एजेंसियों पर भी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिन्होंने तय लक्ष्य के अनुसार काम नहीं किया है। बता दें कि बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा सचिव ने दक्षिण और उत्तर बिहार में कार्यरत एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रगति पर ध्यान दिया और विद्युत आपूर्ति उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। अभिनव ठाकुर, जो फिल्म लिपस्टिक बॉय से चर्चा में आए थे, अब इनकी एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है बिसाही। बता दें, ये फिल्म डायन प्रथा पर आधारित है। बता दें, ये फिल्म इस साल के अंत तक आ जाएगी। अभिनव और भी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इसमें से एक पटना के चर्चित हत्याकांड बॉबी कांड पर केंद्रित है। इसके रिसर्च का काम जो है पूरा हो गया है और स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। लीगल बाबा फिल्म भी तैयार है। अभिनव ठाकुर के बारे में अगर हम बताएं तो ये बिहार के बेगूसराय के बखरी बाजार के रहने वाले हैं। बता दें कि अभिनव ठाकुर लौंडा नाच पर आधारित फिल्म लिपस्टिक बॉय से चर्चा में आए थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने आवाज दी थी और इसके लिए अभिनव को बिहार सरकार द्वारा पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अभिनव बिहार के ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने फिल्मों के जरिए बिहार का मान बढ़ाया है।
एक बेहद गंभीर घटना जो बिहार के नवादा जिले की है। यहाँ के दिदौर पंचायत की कृष्णा नगर स्थित दलित बस्ती में सुनियोजित तरीके से कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। इस दुखद घटना में अब तक 21 घर जल चुके हैं और पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जड़ जो है एक जमीन के विवाद में है जो न्यायालय में लंबित है। घटना के बाद से गाँव में पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि छापेमारी जारी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें अलग अलग इलाकों में जुट गई हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुबई की यात्रा पर जाने के लिए कोर्ट से अनुमति प्राप्त कर ली है। जानकारी के अनुसार उन्हें 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश यात्रा करने की इजाजत मिली है। तेजस्वी यादव को विदेश जाने की अनुमति कोर्ट द्वारा कुछ शर्तों के साथ दी गई है। उन्हें 25 लाख रुपए जमा करने होंगे और यात्रा कार्यक्रम की पूरी जानकारी कोर्ट को देनी होगी, जिसमें दुबई में उनके ठहरने का स्थान और यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले मोबाइल का विवरण भी शामिल है। एनआईए ने बिहार के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें गया के पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी का आवास भी शामिल है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने मनोरमा देवी के रामपुर थाना स्थित आवास पर यह कार्रवाई की है। बता दें ये छापेमारी नक्सली गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मनोरमा देवी जो कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सदस्य हैं, उनके पति बिंदी यादव पर पहले भी नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने का आरोप लगाया जा चुका है। अभी तक इस छापेमारी के दौरान किसी भी तरह के बरामदगी की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एजेंसी ने उनसे अहम जानकारियों की उम्मीद जताई है। आरजेडी के सदस्यता अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस अभियान की शुरुआत पार्टी चीफ लालू प्रसाद यादव ने नई दिल्ली स्थित सांसद डॉक्टर मीसा भारती के आवास 37 पंडारा पार्क से किया। इस अवसर पर लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी और दिल्ली इकाई के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष सदस्यता लिया। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना स्थित आरजेडी कार्यालय 2 वीरचंद्र पटेल पथ के कर्पूरी सभागार से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। पटना में विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रदेश पदाधिकारी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सदस्यता ग्रहण किया। एक ऐसा लम्हा जो क्रिकेट के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। बात है 17 साल पुरानी, जब 19 सितंबर 2007 को आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने T20 विश्व कप में एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया। दरअसल ये मुकाबला था भारत और इंग्लैंड के बीच, जो डरबन के मैदान पर खेला गया। इस मैच में युवराज ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर सभी को हैरान कर दिया। इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद उन्हें सिक्सर किंग का टाइटल भी मिला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत कुमार, गुनर शर्मा, शिवम तिवारी, ओमकाश सिंह, मोहम्मद अजमेर, सादुल्ला पलवी, राकेश मिश्रा, जेपी पटेल, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नेहा कुमारी, सपना कुमारी, कुश कुमार यादव, नीतीश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अरमान, अनवर करीम खान, जुबैर आलम, बकरुद्दीन, नवल किशोर झा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।